डॉक्टर रजनीश, मैं आपसे शुरू करता हूं। फिलहाल ये बताइए सर, वैक्सीन की ड्राइव कल से शुरू हो रही है, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को किस बात का ख्याल रखना चाहिए? कई लोगों को बुखार आता है, कई लोगों को उसके साइड इफेक्ट दिखते हैं, तो उसमें कई बार पेन किलर खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए सर, ये भी बताइए। देखिए, सबसे पहले ये बहुत वैल्यूएबल है इस वक्त ये टिप देना सबको और ये अवेयरनेस क्रिएट करना आपके माध्यम से। वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पैंडेमिक के अंदर। अगर किसी भी तरीके से हम इस पैंडेमिक में रुकावट पैदा कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, तो वो वैक्सीनेशन ही है। और कोई चीज़ हमें बहुत अच्छा सोल्यूशन बन के नज़र नहीं आ रहा इसका। तो वैक्सीन किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। अब नाउ इट इज़ अवेलेबल 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स, 18 साल से ऊपर सब लोगों के लिए अवेलेबल है। सब लोग इसके लिए रजिस्टर करें और वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ें और वैक्सीन लगवाएं। ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि किन लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए। कुछ सबसेट्स हैं, कुछ लोग जो हार्ट के पेशेंट हैं और कुछ दवाओं के ऊपर हैं, जिनको हम एंटीकोएगुलेंट्स कहते हैं, वो ब्लड को पतला करते हैं, उनको थोड़ा ख्याल रखना है। अपने कार्डियोलॉजिस्ट, अपने फिजिशियन से एक बार सलाह करके फिर वैक्सीन लगवाएं। उसमें कई बार 2-3 दिन के लिए हम एक दवा बंद करते हैं और फिर वैक्सीन लगवाते हैं। दूसरा जो सवाल आपने किया, भी इसके थोड़ा फीवर आ सकता है, तो उससे घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। इसको बिल्कुल पैनिक मोड में नहीं जाना है। फीवर इज अ नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि वैक्सीन का जो काम है, वैक्सीन ने क्या करना है अंदर, वैक्सीन ने अंदर एंटीबॉडीज बनानी है। एंटीबॉडीज बनाने से कुछ इंफ्लामेशन बॉडी के अंदर आएगा, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, बट अगर वो नहीं होता, रादर देन वैक्सीन प्रोबेबली इज नॉट वर्किंग। ठीक है सर, एक दर्शक है हमारे साथ पटना से, सनी, उनका सवाल ले लेते हैं। सर पूछिए, सनी क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सनी। सर कह रहे, मेरी माँ मतलब हार्ट के पेशेंट है और थायराइड भी है, तो मतलब इंजेक्शन दिला सकते कि नहीं दिला सकते? कोरोना का वैक्सीन आप पूछ रहे हैं ना? हाँ। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, क्या जवाब होगा इनके लिए? जी, जैसा जो रजनीश ने कहा कि कुछ दवाइयां हैं जो वैक्सीन से पहले बंद करनी होती हैं, और मैं उसमें ये साफ कर देना चाहता हूं कि जो कॉमन दवाइयां स्टेंटिंग के या बाईपास के बाद चलती हैं, जैसे एस्पिरिन है या क्लोपिडोग्रेल है, वो बंद नहीं करने की आवश्यकता होती। दवा सिर्फ उन लोगों को बंद करनी है जिनके वैल्व रिप्लेस हुए हैं और जो एंटीकोगुलेंट जैसे एसीट्रोम या वारफेरिन के ऊपर है, और जिसके चलते हुए अगर खून ज्यादा पतला है तो वैक्सीन की साइट पे एक हेमेटोमा या ब्लीडिंग ब्लड क्लॉट बनने का शंका रहती है। इसलिए उस दवा को 1-2 दिन के लिए बंद करने के बाद वैक्सीन लगवाएं। बाकी आपको वैक्सीन से पहले कोई दवा बंद करने की आवश्यकता नहीं। संजीव एक दर्शक है दिल्ली से, संजीव पूछिए सवाल। संजीव आवाज आ रही है आप तक? लगता है संजीव तक आवाज नहीं जा रही। मुंशी एक दर्शक है गुड़गांव से हमारे साथ, मुंशी जी सवाल पूछिए। सर मेरे लड़के को ये कोविड हुआ था, ये 14 तारीख को हमने टेस्ट कराया था और 15 तारीख को रिपोर्ट आई थी, तो अभी वो होम आइसोलेशन में था, वो अब बिल्कुल ठीक है वो। तो ये मुझे ये जानना है कि कुछ लोग कह रहे हैं दोबारा अगर टेस्ट कराओगे आप तो वही जो है पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी 3 महीने तक, इसका कोई टेस्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, मुझे ये जानना चाहिए। मैं जवाब ले लेता हूं डॉक्टर रजनीश से। डॉक्टर रजनीश क्या जवाब होगा इनके लिए? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है, कोविड पॉजिटिव होता है, तो उसकी जो पॉजिटिविटी है वो बिल्कुल ठीक है। 1 महीना से 2 महीना वेरिएबली वो पॉजिटिव इंसान रह सकता है, वो टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है बार बार, बट यूजुअली ये माना जाता है अगर पेशेंट के सिम्टम्स दवाओं से ठीक हो जाते हैं 15 दिन के भीतर, जो कि 95% पेशेंट्स काफी बेटर फील करते हैं 14 दिन के बाद, 2 वीक्स के बाद, और पेशेंट का सैचुरेशन और ब्रीदिंग डिस्ट्रेस नहीं है उसके बाद, तो वो सोशली बाहर निकल सकता है। कोरोना का डिजीज इज नो लॉन्गर इन्फेक्टिव आफ्टर 2 वीक्स, इवन इफ द टेस्ट इज पॉजिटिव। चाहे टेस्ट पॉजिटिव हो बट इन्फेक्टिविटी नहीं रहती, तो वो बेटा तो ठीक हो चुका है, टेस्ट कराने का जरूरत नहीं है अगर लक्षण नहीं है उसके बाद तो। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।